हमने एक मोर्चा बनाया जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और किसान यूनियन, अब उसमें भीम आर्मी की भी बात हो गई है, और हमने वो मोर्चा बनाया जिसमें 16 मेंबर, परसों हमारी मीटिंग थी, परसों 16 मेंबर उसके अंदर मौजूद, सहारनपुर के अंदर 16 जिला पंचायत मेंबरों के साथ की रात हमारे पास भीम आर्मी वालों का फोन आया, दो उनके तो 18 हो गए, 18 मेंबर जिला पंचायत के लेकर हमने किया। आखिर भीम आर्मी का हो गया है पर्दाफाश, उसी नागनाथ के साथ जाने का ले लिया है चंद्रशेखर ने फैसला। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे थे भीम आर्मी के असली चेहरे की। असली चेहरा आज तमाम सारे लोगों के सामने आ चुका है। हमने कई बार यह बताने की कोशिश की और बताया है कि भीम आर्मी जो है यह बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन ब दिन खतरा बनते हुए नजर आ रही थी, और ऐसे में हमने यह भी बता दिया था कि भीम आर्मी जो है वो कांग्रेस और भाजपा के साथ मिली भगत करते हुए कई बार पकड़ी गई है, और ऐसे में सहारनपुर के जिला पंचायत चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए और सहारनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाने के मामले को लेकर एक बार फिर भीम आर्मी जो है वो नंगी हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इमरान मसूद, इन्होंने दिया है बड़ा बयान, कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में भीम आर्मी भी है, और ये सहारनपुर के जिला पंचायत चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए और जिला पंचायत चुनाव के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर यह बयान इमरान मसूद इन्होंने दिया है। आपको बता दें कि सहारनपुर के अंदर जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 16 सीटों पर विजय प्राप्त किया है, वहीं बीजेपी ने 14 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 8 सीटें, भीम आर्मी ने 2 सीटें हासिल की और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का पहला हक बनता है जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने का, लेकिन भीम आर्मी जो है वो कांग्रेस के साथ लगातार बनी हुई थी। हमने पहले भी आपको बताया उनके प्रियंका गांधी के साथ किस प्रकार संबंध है, कांग्रेस के साथ कैसे संबंध है, और अब इमरान मसूद के इस बयान से ये बात पूरी आम हो गई है। तमाम सारे लोगों को अब समझ में आ चुका है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। माननीय कांचीराम साहब ने कहा था कांग्रेस और बीजेपी यह दोनों खतरनाक पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है, दोनों की दोनों पार्टियां बहुजन समाज के लिए खतरनाक है, जहरीली है, और ऐसे में हमें ना कांग्रेस का साथ जाना है ना ही बीजेपी के साथ जाना है। लेकिन यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी या जो है वो कांग्रेस के साथ बनी हुई नजर आ रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये वही सहारनपुर है जिसके दंगे को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा में आवाज़ उठाई थी, और बात न मानने पर बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप यह भी बताएं क्या चंद्रशेखर आज़ाद समाज को गुमराह कर रहा है, अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार वो गुमराह कर रहा है। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।